नमस्कार, आप सभी का MH1 न्यूज के खास कार्यक्रम मंगल करेंगे दाती में मैं उर्वशी जैन हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, प्रत्येक शनिवार की तरह आज भी आप लोगों की समस्याओं का समाधान हमारे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से दिया जाएगा और आज की चर्चा रहेगी उन लोगों के लिए जो अक्सर डर जाते हैं जब उन्हें कोई विद्वान ये कहता है कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। यदि आपके बच्चों का विवाह नहीं हो पा रहा, किसी ने आपको डराया है कि मंगल सप्तम में है, चतुर्थ में है, अष्टम में है, तो ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, तो क्या करते हैं वाकई मंगल? क्या वाकई वो इतने दंगल पैदा कर सकते हैं कि आपके जीवन में उथल पुथल आ जाए? आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर के लिए हम बहुत बहुत नमन करना चाहेंगे उनका जो आज के इस कार्यक्रम को सार्थक करते हैं। मंगल करेंगे दाती, वाकई आपकी जिंदगी में, आपके जीवन में वो ऐसे सारथी हैं जो आपके लिए, आपको उस मार्ग पर ले जाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जहां पर आपकी जीवन बहुत खूबसूरत हो सकता है। तो आइए हम बहुत बहुत नमन करते हैं सिद्धपीठ शनिधाम से जुड़े हुए श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, नमो नारायण, अभिनंदन है। बाबा जी, सर्वप्रथम बहुत सुंदर आपने जो है विषय उठाया है मांगलिक दोष। क्या वाकई मांगलिक होना कोई दोष होता है? और ये जरूर हम जानना चाहेंगे विवाह संबंधी जितनी भ्रांतियां हैं ना, आज उन पर हम चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। संपूर्ण राष्ट्र को मेरी ओर से नमो नारायण। और आज मंगल को लेकर आए, पहले तो मैं संपूर्ण विद्वानों को अपनी ओर से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि ये विचार मेरे हैं, किसी को भी मेरे विचारों से थोड़ा भी दुख लगता है तो मैं क्षमा प्रार्थी, क्योंकि मैं अपनी बात कहने आया हूं। जिंदगी के 45 साल मैंने जो अनुभव किया है वो अनुभव बांटने आया हूं। मैं किसी को ना तो नकारता हूं, ना चैलेंज करता हूं, और न किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहता हूं। आपका अपना अनुभव और मेरा अपना अनुभव है, लेकिन मंगल के बारे में जो मैंने देखा है वही मैं आप लोगों के सामने आज रखूंगा, क्योंकि बहुत डर है, बहुत भर्म है, बहुत भय है, बहुत भ्रांति है। लहरिया बनता है लगन, चौथा घर, सातवां घर, आठवां घर और बारहवां बार एक लहरिया सा बन जाता है, एक एक रेखा खींचती है कि बारहवें भाव लगन, चौथा, सप्तम और अष्टम। ध्यान से इसी समझा जाए, मैं दाती महाराज इन 45 सालों में बहुत जन्म कुंडलियों का अध्ययन किया। यदि मेरे पास 10 जन्म कुंडली आई, 10 में से 9 में मंगल कहीं ना कहीं प्रभावित था। मैं ये कह रहा हूं मंगल ऊर्जा का प्रतीक है और मंगल का प्रबल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, मंदबुद्धि होगा, क्रियाशील नहीं रहेगा और जीवन के किसी भी कार्य में अग्रणी नहीं रहेगा और हमेशा वो हतोत्साहित रहेगा। मंगल का जन्म कुंडली में प्रबल होना बहुत जरूरी है। अब बात आती है शादी की, यदि कहते हैं कि लगन मंगल में है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और मैंने शोध किया, मैंने देखा लगन में मंगल राशि में किस में, यह देखना जरूरी। यदि भावों की बात करें तो पहला भाव यदि एक नंबर है तो यह समझ लो लाल किताब पहला भाव मेष राशि को मानती है, मेष राशि का स्वामी मंगल, अपनी राशि में मंगल वहां प्रॉब्लम नहीं देगा। मकर राशि में मंगल वहां प्रॉब्लम कैसे देगा? और लगन में यदि मंगल है, मैं एक बात तो जरूर देखी है कि मैं जरूर कह कि थोड़ा सा स्वभाव, क्योंकि आदमी एकदम सीधा चलना पसंद करता है, अपनी बात रखना पसंद करता है, अपने विचारों को व्यक्त करना पसंद करता है, अपने विचार समाज के सामने रखना वो अपना कर्तव्य समझता है, कोई माने ना माने उसे फर्क नहीं पड़ता, अपनी बात रखता, इसलिए लोगों को बुरा मन लगता है। शादी में वहां कहां प्रॉब्लम आएगी? चौथा स्थान मंगल का, चौथा स्थान माता का स्थान है, मां की गोद में मंगल। अब वहां मंगल किस भाव में बैठा है इसको, यदि मंगल वृश्चिक राशि का है, मेष राशि का है, मकर राशि का है और चौथे स्थान में है तो मेरा विश्वास करना सुख ही सुख देगा निजगत कर्मों की वजह। यदि वहां करक में बैठ गया, कहते करक में मंगल नीच का, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि वे ग्रह जो प्रतिकूल ग्रह यदि केंद्र में विराजमान हो जाते हैं तो वो प्रतिकूलता छोड़ देते हैं, बुरा फल देंगे नहीं, इसका मतलब नहीं अच्छा फल दे लेकिन बुरा फल नहीं देंगे, तो वहां भी मुझे परेशानी नजर नहीं। और सप्तम स्थान का में मंगल रहना बहुत जरूरी माना गया है, यदि व्यक्ति उत्साहित नहीं रहेगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, कदर नहीं करेगा तो शादी चलेगी कैसे? और अष्टम स्थान में मंगल शोध देता है, अद्भुत शोध देता है, इसलिए मुझे भय नजर आया नहीं। और बारहवां स्थान मोक्ष का मार्ग है, मंगल का वहां रहना आध्यात्मिक साधना की ओर अग्रसर करता है। हाँ, ये मैं जरूर देखा कई बार कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई। अब विद्वान लोग कह देते हैं, मेरा प्रणाम,
क्षमा प्रार्थी मैं बात जरूर करूंगा क्योंकि आज मैं बात कहने के लिए बैठा हूं। मंगल यदि लगन में है और उसका भी मंगल लगन में और दूसरे के जातक भी लगन में, मंगल को मंगली से शादी करनी चाहिए। मुझे समझ में, एक आदमी के हाथ में हथियार है, दूसरे आदमी के हाथ में हथियार है, कैसे रहेगी साथ में, कैसे निभेगी साथ में? इसलिए मैं दाती महाराज अपने हौसो आवास में अपने अनुभव के आधार पर कहता हूं कि हमेशा जो मांगलिक है उसे नॉन मांगलिक से शादी करनी चाहिए, बहुत अच्छा है। और मंगल का कोई कुप्रभाव होता ही नहीं, होता है तो आज एक घंटा आपके साथ हूं, हर सवाल का जवाब दूंगा, मैं बैठा हूं साथ में आपको जवाब देने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। मंगल अपने आप में एक प्रबलशाली, एक बहुत ही अद्भुत ग्रह है, बहुत ही अद्भुत देवता है और वो बहुत अच्छा फल भी देते हैं। समझने की जरूरत है, समझने की बहुत जरूरत है और बहुत से कारण हो सकते हैं। उन सारे कारण, जब तक सारे कारण आप नहीं समझ पाएंगे, जन्म कुंडली का पूर्ण विश्लेषण नहीं, खाली मंगल लगन में होना, चौथे भाव में होना, सप्तम भाव में होना, अष्टम भाव में होना या फिर बारहवें घर में होना मांगलिक दोष माना जाता है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जन्म कुंडली यदि लगन में मंगल लगन में विराजमान है और नवांश में वो मंगल यदि बैठ गया दूसरे घर में, तो वो ऐसी 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 प्रभावहीन हो जाएगा, उसका प्रभाव नहीं रहेगा। सारी कुंडलियों को देखना, नौ के नौ चार्ट को देखना बहुत जरूरी है और उसके बाद कोई भविष्यवाणी करनी चाहिए मंगल के नाम से। और मैं ये कहता हूं कि 99.9% जन्म कुंडलियां मांगलिक होती है, सब में मंगल होता है। भय से बाहर आइए, भ्रांति से बाहर आइए और करिए दाती महाराज से बात। आज एक घंटा आपके साथ है आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, कि मंगल हुआ नहीं है, मंगल मंगल करेगा, अमंगल कर ही नहीं सकता। और देवता किसको दोष देते हैं, क्यों काय के लिए भयभीत होते हो? दोष हमारे अपने कर्म है। यदि हमने अपने भाइयों का हक मार दिया, जन्म कुंडली में मंगल प्रतिकूल जरूर बैठेगा। मंगल भाई बहनों का प्रतीक है, मंगल भाई बहनों का प्रतीक है। इसलिए आज मैं आपके साथ इस मंगल वाले हवो के लेकर एक घंटा रहना चाहूं, चाहे मांगलिक दोष हो, चाहे शादी है, शादी में अड़चन है, शादी टूट रही है, रिश्ते नहीं बन रहे, या पति पत्नी में नहीं बन रही है, या मंगल चौथे है, या मंगल सप्तम है, मंगल अष्टम है, मंगल बारहवें, हर मंगल के जवाब के लिए, हर अमंगल को मंगल करने के लिए बड़े दिल से आपके साथ आया हूं और दिल से बात करूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अरे काहे के लिए टेंशन, थोड़ी सी तो जिंदगी मिली है, इसको रोते रोते बिता दीजिए। अरे रोते रोते पैदा होना बहुत बुरी बात नहीं है, लेकिन जिंदगी में रोते रोते मरना यह बहुत बड़ी बुरी बात। रोते रोते पैदा होना ठीक है, वो हमारा जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन रोते रोते मरना यह बहुत बुरी बात है। जिंदगी को जीना सीखिए, आनंद से जीना सीखिए। मैं आपके साथ हूं, नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, आपने बहुत सुंदर बात कही है और हमेशा की तरह आज भी आपने लॉजिकल बात ही कही है। तो चलिए लगातार आने वाला एक घंटा दाती जी महाराज शनि धाम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी समस्याओं के समाधान उन्हीं से प्राप्त कर सकते हैं। 4230001 02 हमारा स्टूडियो नंबर है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बाबा जी हम कॉल लेना चाहेंगे करण जी की, जो की हमारे साथ जुड़े हैं शिमला हिमाचल प्रदेश से। करण जी नमो नारायण। नमस्कार जी, अभिनंदन है जी। मैं करण शिमला से बोल रहा हूँ जी। जी मैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1988, मेरा 11 जनवरी 1988 जी। मेरा जन्म टाइम है 11:34 AM सुबह का जी। और मैं शिमला में, मेरा शिमला जन्म स्थान है हिमाचल जी। मैं IAS की तैयारी कर रहा हूँ, IAS बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और शनि महाराज को खुश करूँ ऐसे कि मेरी सारी जिंदगी में सारी कठिनाइयां दूर हो जाए और सब कुछ मेरी जिंदगी में अच्छा चले। चलिए बाबा जी, आपने करण की आवाज सुनी होगी, IAS के लिए तैयारी कर रहे हैं, 11 जनवरी 1988 का जन्म है, 11:34 सुबह का शिमला का ही जन्म है। और इन्होंने एक प्रश्न ये भी किया कि ये शनिदेव को कैसे करें प्रसन्न। करण नमो नारायण, मीन लगन मेष लगन है और करण जन्म कुंडली में मैं इस मध्य आदर्श, इसलिए मेरे हिसाब से मीन लगन आना चाहिए। बृहस्पति और राहु लगन में है, चंद्रमा और केतु आपके सप्तम स्थान में है और शनि आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह का विराजमान है, सूर्य के साथ दसम स्थान में विराजमान है और जन्म की गणनाएं ये कह रही कि प्रशासनिक सेवाओं में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता, जरूर जाएंगे। इस समय राहु की दशा है, 2015 मार्च तक का समय थोड़ा सा कठिन परिश्रम का है, लेकिन प्रशासनिक जाने के लिए आपको कोई रोग नहीं। सूर्य जब दशम स्थान का मालिक हो, बिल्कुल प्रशासनिक सेवा में जाने का मौका मिलता है, लोगों की सेवा करने का, देश की सेवा करने का एक अद्भुत अवसर प्राप्त होता है।
बस चंद्र और केतु दोनों ही साथ में फिकल माइंड है, एक साथ 10 काम मत करिए। स्थिरता लाना जीवन में बहुत जरूरी है। जहां तक भगवान शनिदेव को मनाने का मामला है, हर रोज सबसे पहले उठकर माता पिता के चरण स्पर्श कर दो, नहा धोने के बाद भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद अपने घर में सरसों का तेल का दीपक जलाओ और दशरथ कर शनि स्रोत www.shanidham.in पे चले जाएंगे तो आपको ये दशरथ का शनि स्रोत मिल जाएगा। इस दशरथ का शनि स्रोत का हर रोज सुबह 11 पाठ करके देखो, आपकी जीवन की संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी होगी। नमन। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी इनकी समस्या का समाधान करने के लिए। अगली कॉल लेना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़े हैं राम गोपाल जी हैं जो कि रोहतक से हैं। राम गोपाल जी नमो नारायण। नमो नारायण जी। जी जो बट बता दें आप। राजनीति में आना चाहते हैं आप जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ बैंक में। हाँ जी, मैं बैंक में जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं तो ठीक है, बाबा जी से बात करें तो बाबा जी इन्होंने डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स, एक बात आपसे पूछना चाहेंगे राम गोपाल जी, बर्थ डिटेल्स हैं आपके पास? क्या जी? जन्म तारीख स्थान समय क्या आप हमें दे पाएंगे अपना? हाँ जी, 5/12/73 जन्म तिथि 5/12/73 76 बॉर्न है। टाइम बोल रहे आप जन्म का? हाँ, टाइम है सुबह का 5:35 सुबह के हैं। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ हुआ है जन्म आपका सर? ये गांव है मेरा आसमंदा डिस्ट्रिक्ट रोहतक। डिस्ट्रिक्ट रोहतक की है। बाबा जी ने प्रश्न किया है क्या ये राजनीति में आ सकते हैं? तुला लग्न है, दशम स्थान में शनि और लग्न में राहु है, राजनीतिक प्रवेश नजर आता है जन्म कुंडली, लेकिन 2019 के बाद अच्छा समय, इस समय राजनीति के लिए ठीक नहीं। 2019 के बाद आप राजनीति में कदम रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नमो नारायण। तो चलिए आज का विषय है मंगल और मांगलिक दोष। शुरुआत करते हैं जिनकी शादियां नहीं हो पा रही है बाबा जी, और अक्सर उन्हें यह कह दिया जाता है कि आप तो मांगलिक हैं। सीधा सीधा आजकल अगर न्यूज़पेपर्स भी उठाकर देखे जाए तो वहां पर मांगलिकों का कॉलम अलग से बनाया गया है, पढ़कर बड़ा असमंजस की स्थिति होती है। क्या ये ऐसे विरले हो गए हैं, इनको ऐसे कौन से टैग्स लग गए हैं कि मांगलिकों के कॉलम तक अलग बना दिए गए हैं? तो जानना चाहेंगे आपसे उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही। मैं फिर उन सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि मंगल से भयभीत होने की जरूरत नहीं। आप यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल है और किसी के नहीं है तो आप शादी कर लीजिए, विश्वास करिए। मंगल के अलावा और बहुत से योगा योग ऐसे जो आपकी शादी में विघ्न डाल सकते हैं, लेकिन मंगल के नाम से मत भयभीत होइए। जन्म कुंडली के मंगल का प्रबल होना बहुत जरूरी है, चाहे वो लग्न में बैठा, चाहे चौथे घर में बैठा, चाहे अष्टम में बैठा, चाहे सप्तम में बैठा, समझना बहुत जरूरी है। ये बहुत भय और बहुत भ्रांति से बाहर आई। और यदि आपकी शादी नहीं हो रही है और लोगों ने आपसे कहा कि निजगत कर्मों की वजह से मंगल अनुकूल नहीं है, तो ये पूजा आप किसी मंगलवार को प्रारंभ करें, लगातार 40 मंगलवार कर दे। हर मंगलवार को नित्य कर्म से निर्दोष सिनाना उपरांत गीले कपड़ों में 108 श्वेतार के पुष्प या आग के पुष्प हनुमान जी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा। वहीं बैठकर 11 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक करें और हर रोज सुबह शाम घी का दीपक जलाकर ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र की 5 माला जाप करिए, अवश्य शादी संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। नमो नारायण जी। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। उनके लिए भी हम प्रश्न पूछना चाहेंगे जिनके शादी में अक्सर अड़चनें आती हैं और उनके माता पिता से अगर बात करें तो वो ये कहते हैं हाँ हमारा बेटा मांगलिक है ना, इसलिए शादी नहीं हो पा रही है। तो चलिए आज उनकी समस्या का भी आप समाधान कर दें जिनकी शादी में अड़चने आ रही है। लाख कोशिश के बावजूद भी शादी में कोई ना कोई कोई ना कोई कोई ना कोई अड़चन आ जाती, बनते बनते बात बिगड़ जाती है और किसी ने आपसे कह दिया आपकी जन्म कुंडली में निजगत कर्मों की वजह से मंगल अनुकूल प्रदान नहीं करना, तो हनुमान जी की ये पूजा आपको लाभ दे देगी। किसी भी मंगलवार को पूजा प्रारंभ करें, लगातार साल भर करें, हर रोज नित्य कर्म से निर्दोष स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल चढ़ाने के बाद लाल कपड़े में श्रद्धा अनुसार या 800 ग्राम गुड़ बांधकर स्वाघन सफाई कर्मचारी महिला को दान में दे दे और हर रोज सुबह शाम 9 माला ओम राम भक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करके देखेगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज, इन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। चलिए आज हम चर्चा यही करेंगे, यदि मांगलिक दोष कहकर आपको आपकी शादी नहीं हो पा रही, अड़चन आ रही है, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते आते हैं लेकिन टूट जाते हैं, यानी शादी संबंधित आपको कहीं कोई समस्या है, समाधान करेंगे स्वयं दाती जी महाराज। लौटेंगे उन्हीं के साथ इसी कार्यक्रम में इस अंतराल के बाद।